हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के 10 उपाय जो वायरस के प्रकोप से आपकी सुरक्षा करेंगे। भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रही है। COVID-19 वायरस के कारण अब तक लगभग 35,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने का एकमात्र उपाय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करना है। नियमित तौर पर साफ सफाई करते रहना आवश्यक है, खास तौर पर हाथ धोना। इन सब के साथ यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहेगी तो आप औरों की तुलना में कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने में ज्यादा सफल रहेंगे। आयुर्वेद में कई ऐसे उपाय हैं जिनको आप अपनाकर अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, साथ ही अपने घर तथा आसपास के वातावरण को कोरोना वायरस के प्रकोप से भी मुक्त रख सकते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए आयुर्वेदाचार्य विवेक राठौर ने कुछ सुझाव दिए हैं जिनका पालन करके हम खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। नंबर एक, COVID-19 वायरस के प्रभाव से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप नियमित तौर पर गुनगुना पानी पिए और खाना भी गर्म खाना चाहिए, यानी ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और ठंडी चीजों का सेवन ना करें। नंबर दो, शरीर के इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए आपको नियमित तौर पर उचित मात्रा में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नींबू आदि का जूस पीना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पानी में तुलसी के रस की कुछ बूंदें मिलाकर पी सकते हैं। नंबर चार, गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। इम्यून सिस्टम की बेहतरी के लिए आप फल का सेवन जरूर करें, खास तौर पे संतरों का सेवन। नंबर छह, हरी सब्जी को सेवन करें जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। नंबर सात, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप नियमित तौर पर तुलसी की 5 पत्तियां, 4 काली मिर्च, 3 लौंग, 1 चम्मच अदरक का रस शहद के साथ ले सकते हैं। नंबर 8, अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आपको नियमित रूप से 10 या 15 तुलसी के पत्ते, 5 से 7 काली मिर्च, थोड़ी दालचीनी और उचित मात्रा में अदरक डालकर बनाई गई चाय पीनी चाहिए। यह आपको रोगों से बचने में मदद करेगी। इसके अलावा आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का भी पालन करना चाहिए और अपनी मर्जी से किसी भी दवा का सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना।